नमस्कार, मैं सतीन शर्मा। चुनावी यात्रा में इस समय हम मौजूद हैं कटुमर विधानसभा में, और ऐसे में राजनीति मुद्दा क्या है, राजनीति यहाँ पे कई लोग जुड़े हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, राजनीति चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ के बुजुर्गों से हम बात करते हैं कि यहाँ का क्या मुद्दा है, क्योंकि अलवर को राजस्थान का मुख्य द्वार कहा जाता है और बोला जाता है कि राजस्थान की शुरुआत अलवरों से ही होती है। तो ऐसे में यहाँ के बुजुर्ग क्या कहते हैं, राजनीति क्या लग रहा है कि आप लोगों को इस बार की सत्ता में क्या चल रहा है, किसकी सरकार आनी, बीजेपी क्या कारण है, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्या लग रहा है आपको, आपके विधानसभा में काम हुआ है कि नहीं, बीजेपी हमको चाहिए, बीजेपी लाने का कारण क्या है, अशोक गहलोत की योजना काम नहीं कर रही है, बीजेपी की चाहिए, अशोक गहलोत की योजना आपको कोई पसंद नहीं आई, ना आई हमको, ना आई, बुजुर्गों के लिए पेंशन लागू कर रहे हैं, कई सारी योजना दे रहे हैं, पेंशन सुधरिया आई ना आया महीने की, तो अप्लाई किया आपने कुछ उसके लिए, किसी से मुलाकात नहीं की, ना मुझे कोई आई ना, जब मुलाकात कौन तो करे, क्या लग रहा है इस बार का माहौल आप लोगों को, बोलो सब, पर मैं तो आप बताइए क्या लग रहा है इस बार माहौल, बताइए बताइए क्या लग रहा है, आप अपने विधायक से खुश हैं कि नहीं है, बैठिए बैठिए, क्या लग रहा है जो आपके मौजूदा विधायक हैं आपके विधानसभा में कुछ काम कराए हैं कि नहीं, काम ऐसे खास नहीं कराए उन्होंने, और हमारे क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा खास नहीं किया, और कांग्रेस की सरकार ने हालांकि टीम निकाली थी लेकिन इतनी वो नहीं निकाली थी, खाली बात ही करी थी, उनमें कुछ दम नहीं थी, उनमें थोड़ी घोषणाएं थी, उनमें कोई दम नहीं थी, और बीजेपी की सरकार में वाकई में ही दम होगी, ये हमें विश्वास है। अगर बीजेपी की सरकार में इतनी दम थी तो 2018 में बीजेपी इतनी बुरी तरह हार क्यों गई, बुरी तरह से तो नहीं आ रही, मुकाबले से आ रही थी, कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, बीजेपी की थोड़ी सी कम रही थी, लेकिन बाद में तो कई लोग चले गए, अब निर्दलीय वगैरह मिल करके उन्होंने सरकार बना ली थी, ऐसे तो आपकी पार्टी कई जगह से पूर्ण बहुमत से नहीं आई है, कई लोगों को जोड़ करके तोड़ करके सरकार तो बना ली, हाँ सरकार तो बना लेती है, लेकिन अब के माहौल ये रहा कि बीजेपी के खिलाफत से थोड़े कम अंतरालों से हमारे जो थे विधायक वो हारे थे, थोड़े थोड़े अंतरालों से, लेकिन हम लोग कई विधानसभा कवर किए हैं, गांव में गए हैं, शहर में गए हैं, लेकिन जो परिवर्तन की लहर कहीं ना कहीं दिख रही है सत्ता में, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर भी दिख रही है, 100% श्योर नहीं किया जा सकता है कि परिवर्तन, टक्कर कांटे की है दोनों की, और जो निर्दलीय जो खड़े हो रहे हैं पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो भी खड़े हो रहे हैं, तो उनको बहुत तगड़ा नुकसान भी हो सकता है, दोनों ही बात है, लेकिन मुकाबला दोनों का भयंकर ही रहेगा, कोई विश्वास से नहीं कह सकते कि इसकी सरकार आएगी, क्या इस बार भी निर्दलीय हाथ में लड्डू लगने वाला है, क्या सत्ता में सत्ता वापसी का मामला पूरा निर्दलीय के पास, हाँ कुछ निर्दलीय इसमें, और जो और छोटी छोटी पार्टियां बनी है वो भी एक एक दो दो सीट लेने के, सत्ता में वापसी का गेम चेंजर निर्दलीय साबित होंगे इस बार, हाँ शायद निर्दलीय को ही साथ में लेकर के सत्ता पक्ष बन सकती है, आप बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को माहौल यहाँ का, आपके विधानसभा का क्या मुद्दा है, क्या काम नहीं हुआ है विगत 5 साल, अरे यहाँ तो जो समीकरण बैठ गए तो बीजेपी जी सके, दूसरा समीकरण बैठ गया, कौन समीकरण है वो समीकरण बताइए, यदि खींची को टिकट मिल गया रमेश खींची को तो बीजेपी जीतेगी, और यदि इसको नहीं मिला तो कांग्रेस जीतेगी, ऐसी क्या बात है, इसकी वोट है धड़े की बैरवा की, और बैरवा भी कह रहे हैं कि काम भी नहीं हुआ है फिर भी, काम तो खूब हुआ है यहाँ कठुमर में, खूब काम किया है, कौन कहता नहीं किया है, लोग कह रहे हैं उतना गलत बोल रहे हैं, काम खूब किया है, इतना काम किया जितना किसी ने नहीं किया आज तक, तो बीजेपी क्यों जीतेगी अगर किसी को टिकट मिला है, काम वोटर का धड़ा है ना, वो तो चेक करें ना, भरतपुर आपके पड़ोस में है तो कितना इम्पैक्ट आपके इस विधानसभा में भरतपुर का पड़ रहा है, भरतपुर आपके बगल में है, सटे जिला है, तो अभी दंगा कई सारे हुआ था तो कर्फ्यू लगे थे, तो क्या उसका प्रभाव भी कुछ इस विधानसभा नहीं, कोई नहीं पड़ेगा, आप बताइए बाबा किसको देखना चाह रहे हैं, अशोक गहलोत को या फिर वसुंधरा को या किसको, वसुंधरा को, वसुंधरा पसंद है, वसुंधरा का काम अच्छा लगा था, अच्छा वसुंधरा काम बहुत बढ़िया है, वसुंधरा में मुख्यमंत्री होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं उनको हटा दे, एक तरह से अलग किया जा रहा है मुख्यमंत्री, इस बार अगर बीजेपी आती है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या उस पर क्या राय है, हमको तो भाई वसुंधरा चाहिए, वसुंधरा पसंद है,
आप लोग बताइए, आप तो चाय बना रहे हैं, चाय पे चर्चा राजनीति की सबसे ज़्यादा होती है और आपके दुकान पे कई सारे लोग आते हैं, वही कह रहे हैं। तो चाय पे, चाय की दुकान पे सत्ता और प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, कई लोगों को मिलते हैं तो आपको क्या लगता है किसका मूड बन रहा है? बीजेपी का हमारे यहाँ का। कौन नेताजी हैं आपके? ये नेताजी हैं, आप यहाँ के नेताजी हैं। इधर देखिए, इस बार क्या लग रहा है, कौन आ रहा है सत्ता में, कौन आ रहा है, काबिज हो रहा है? अब सब सत्ता को तो जब ही पता पड़ेगा, सत्ता वो तो 3 तारीख को पता चल जाएगा कौन आ रहा है। आपके मन में कौन है, आपके विधानसभा में क्या माहौल है, नेता है इस, तो ये तो कुछ तो पता होगा विधानसभा का। विधानसभा का हमने कोई पता ना है, कौन बता में? आप बताइए भैया, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, ये बताइए क्या लग रहा है आपकी विधानसभा का माहौल इस बार? इस बार विधानसभा में बीजेपी का टिकट फाइनल होकर बीजेपी का ही पास होगा, बीजेपी की लड़ाई दिख रही है। लेकिन आपके विधायक जो इतने सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि काम मौजूदा विधायक अच्छा कर रहे हैं, तो काम के नाम पर वोट या चेहरे के नाम पर वोट? काम के नाम पर तो कोई वोट नहीं है, काम थोड़ी है, काम के नाम पर वोट नहीं, काम थोड़ी है इनका, कांग्रेस वालों का ये काम थोड़ी है। अभी इतने बुजुर्ग बैठे हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे भैरवा जी ने बहुत, ये अपने अपनी सोच, आपकी नजर में क्या काम का नजरिया है, तो बताओ कि क्या काम नहीं हुआ है? काम बताओ, अगर कह रहे हैं काम के नाम पे वोट नहीं, तो कैसा काम चाहिए जिस पर वोट? विकास का कोई काम नहीं, विकास का कोई काम नहीं हुआ है। आप बताइए, आपको कुछ दिखा काम जो सही लगा हो? सही बीजेपी में है सर, बीजेपी, हाँ बीजेपी आनी चाहिए सर। दादा आप बताइए क्या लग रहा है आपको? हमारे बताए थे मिले ना, सिरे करे थे मिले भैया, मैं ना बताऊं कुछ भी, आपका बीजेपी आनी चाहिए सर। दादा आप बताइए क्या लग रहा है आपको? हमारे बताए थे मिले ना, सिरे करे थे मिले भैया, मैं ना बताऊं कुछ भी, आपका एक वोट भी कई, आपका एक वोट भी कई तरह हो जाए। अरे तो अरे हम जाने ये किए के जाने से चारे वोट तो देते हैं ना, एक 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 वोट डिसाइड करता है ना ना। अरे काय को कह दिए, आप बताइए। अभी एक भैया तो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, बस जो लोग बोल रहे हैं भैरवा जी के खिलाफ, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। विकास तो खूब हुआ है कठुआ तहसील, सड़कें आगे तो कई खराब नहीं, सड़क भी बहुत बनवाई है कठुआ तहसील में, विधायक ने काम तो विकास खूब किया है। कुछ लोगों से मुलाकात की है तो कह रहे हैं 2018 वसुंधरा सरकार में सड़क बनी, उसके बाद अभी तक नहीं बनी। नहीं नहीं, बाबूलाल बैरवान को विकास कराए, सब झूठी बात है ना, तो कछु इनके कहे थे हो है। हम तो रुके जो बीजेपी की सरकार आवेगी, कांग्रेस को MLA बनोगे यहाँ LSO कह दे जा, यही बात है। सरकार बीजेपी की आवेगी, कांग्रेस को वो बनोगे यहाँ MLA। वहाँ पर जयपुर में बीजेपी बैठेगी और आप यहाँ MLA कांग्रेस का बना, कांग्रेस को बनाएगा अब, यानी सत्ता में बीजेपी को भेज रहे हैं और अपने यहाँ कांग्रेस को ला रहे, कांग्रेस को ला रहे, देख ले तू और कछु ना, यही बात है, हम पे तो पक्की है, देख ले वाले, ये बात पक्की है, पक्की कछु बात नहीं, बात पक्की है, पक्की चलो, ये बात पक्की है कि कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कांग्रेस आएगी लेकिन सत्ता में परिवर्तन होगा। आप क्या कह रहे हैं दादा, यहाँ पे क्या किसका लहर आ रहा है? बीजेपी। लेकिन यहाँ पे बैठे बुजुर्ग कह रहे हैं कि भैरवा जी ने, जो आपके विधानसभा के विधायक हैं, बहुत काम कराए हैं, तो बीजेपी की, बीजेपी साहब जो है काम, मोदी चाहिए, मोदी तो केंद्र में, हाँ मोदी, तो मोदी मुख्यमंत्री के, हाँ, हम तो कल मिला मोदी उधार है, बीजेपी कोई टिकट, कोई कोई टिकट मिले नाम तो, हाँ सिर्फ मोदी के नाम पे वोट, हाँ मोदी के नाम पे, मोदी लहर अभी भी, यानी 2014 के बाद अभी भी मोदी लहर है क्या? हाँ लहर, जो 2018 में नारा लगा था वसुंधरा तुमसे खैर नहीं, वसुंधरा ना चाहिए हमारे काज है, वसुंधरा तो जब बीजेपी में जाऊना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ के जो ये बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे हमेशा चाय पे चर्चा करते हैं।